कुड़ी मिगी लगी बड़ी शैल। गीत मिठे होए होए गीत मिठे, गीत मिठे ओदे लई लिखदा रवां, मन कर मेरा सी दिखदा रवां। भाई जिस हिसाब से जम्मू में गर्मी चल रही है ना, मुझे लगता है कि सभी को प्लान बनाना चाहिए ठंडे इलाके में आने का। इसलिए मैंने और पलक ने हमारी जो फेवरेट जगह है हिमाचल, हमने तो प्लान बना लिया। क्यों पलक, हिमाचल तुम्हें फेवरेट लगता है ना? हाँ, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा क्राउड होता है यहाँ का। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम पे। सही में जम्मू में तो इस टाइम बहुत गर्मी है। तो और दूसरी बात, एक बात मैं और कहूंगा कि हिमाचल में ना, जिसे हम देव 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 भूमि भी कहते हैं हिमाचल, तो यहाँ पर ना जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो यार मैं मंदिरों वगैरह में जरूर जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे मंदिर मिलते हैं। इसलिए आज हम फिर से आ चुके हैं भागसूनाग में, और भागसूनाग में हम रुके कहाँ है वो आपको जल्दी से बताएंगे। हमारे पीछे ये देख रहे हैं आप होटल, होटल शिवाय मोरक्स, मोरक्स होटल। ये एक प्योर वेज होटल है, इसलिए हमने इसको चुना है, और ये होटल है भागसूनाग में। लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे रुके थे, है ना पलक, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा था ये होटल, इसलिए हमने कहा कि इस बार भी हम इसी को चुनते हैं। हमें ये होटल अच्छा लगा था तो इसीलिए हम फिर से यहाँ पे आ गए। अब तो वैसे भी जम्मू में हम सुन रहे हैं हम फोन में कि बहुत गर्मी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। आओ जी चलते हैं होटल के अंदर और फिर आपको बताते हैं कि होटल कितना अच्छा है ना। चलो जी, वैसे अपने जम्मू वालों का होटल हो तो मजा ही कुछ और होता है ना। चलिए नमस्कार जी, भाई साहब कैसे हो? अंकु जी कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हो भाई साहब? हमें ना लास्ट टाइम आपका होटल बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए हमने कहा कि इस बार फिर से आपके ही होटल में रुका जाए। मैं पता था आप आ रहे हैं से, और मैं बहुत खुश हुई कि आप आए। और बाकी आपको पता ही है हमारा प्योर वेज है होटल। ओके तो प्योर वेज होटल है, ये बड़ा अच्छा है क्योंकि आजकल ना प्योर वेज का लोग ढूंढते हैं, तो अगर आपको होटल ही प्योर वेज मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं एक बार ना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एड्रेस भी बता दें, हमें तो पता है जो लोग देख रहे हैं उनको पता चलना चाहिए। मेन भागसूनाग में है ये। ओके जी, भागसूनाग वैष्णो माता का टेंपल है। बिल्कुल जी, भागसूनाग अगर आप आते हैं तो वहां पर ही होटल शिवाय मोरक्स आपको आना है। मैं और पलक भी यहीं पे रुकते हैं, तो आज इस बार हम भी एक बार फिर से यहाँ रुकने आए हैं क्योंकि हमें लास्ट टाइम इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी थी। आइए अब आपको होटल भी दिखाते हैं, और इस होटल में जो है आपको लिफ्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि कई लोग जो है जो एल्डरली लोग सीनियर सिटीजन आते हैं तो उनको जो है कई बार वो सोचते हैं कि लिफ्ट होनी चाहिए होटल में, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है कि आपको यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी, ताकि अगर आपके घर पे कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको लिफ्ट के बिना वो होटल में नहीं जा सकते अलग अलग फ्लोर्स में, तो उनके लिए लिफ्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। चलो रूम देख लेते हैं, तो भैया रूम दिखाइए। ओके ओके, रूम तो बहुत अच्छा है जी। बालकनी ओके, बालकनी का भी अच्छा व्यू है। है ना, बालकनी का भी अच्छा व्यू है ना। वैसे अगर मुझे लगता है कि हम कोई भी प्लान बना रहा हो ना हिमाचल का, तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि मखलोडगंज जो है पूरा का पूरा पैक होता है, तो मैं तो सभी से कहूंगा कि आप भागसू में अगर आते हैं तो आप भागसू में ही आए, तो होटल शिवाय मोरक्स में आके जो है रूम ले। देखें आप रूम कितना खूबसूरत है, अच्छे रूम है और सिटिंग भी अच्छा है, इन्होंने पूरा एरिया बनाया हुआ है, और साथ ही में बाहर बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है, यहाँ से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। सिर्फ यही रूम नहीं, आपके हर रूम अच्छे हैं, सारे रूम अच्छे हैं। आज सिया और कृष्णा नानी दादी के साथ आए हैं घूमने, तो हम पूछते हैं इनसे कि कैसा लग रहा है इनको। नानी और दादी बताओ कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा इंतजाम था। अच्छा दादी आप बताओ? बहुत हमने एंजॉय किया, ये बहुत मजा आ रहा है, मैं यहाँ पर बहुत मजा ला रहा हूँ। हमारा तो जाने का मन नहीं कर रहा है, नहीं मन कर रहा है जाने का, कोई बात नहीं आप रहो हम जाते हैं। जो अंकुश है बहुत ही अच्छे है, अच्छे जवान। अच्छा बहुत अच्छे हैं, ठीक है।
तो फाइनली हमारा जो पूरा ट्रिप था, फैमिली ट्रिप, आज खत्म हुआ है। कैसा लगा पलक, खास करके ये जो होटल है, होटल शिवाय मोरक्स जो भागसू नाग में है, कैसा लगा यहाँ का? मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और ये इतना अच्छा होटल है कि यहाँ पे फील ही नहीं होता है ऐसे। मतलब खाना इनका इतना टेस्टी है ना, तो जो हमारी मम्मी है मतलब वो तो इतना इंजॉय किया उन्होंने, लग रहा था कि घर का खाना खा रहे हैं बिल्कुल। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जब भी आप भागसू नाग आए ना, वैसे जब भी आप हिमाचल आए, आपको ना रहने के लिए कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ आना है होटल शिवाय मोरक्स, और इसके लिए आपको आना पड़ेगा भागसू नाग। क्योंकि यार देखो मकलोड़गंज जो है पूरा पैक होता है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सीधे अपना प्लान बनाएं भागसू नाग आने का। यहाँ पर बड़े अच्छे ट्रैक पे भी आप जा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है दूर नहीं है वैसे मैकलो से, बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यार प्योर वेज होटल है ये, और जो लोग प्योर वेज के शौकीन है ना, वो सीधे यहाँ पर आ जाए, और खाना भी बहुत टेस्टी। और सबसे अच्छी बात, हमारे जम्मू का होटल है, तो जम्मू के लोग जहाँ पर हो हमें तो वहाँ जाना ही है, अपनापन लगता है ना थोड़ा, तो जरूर आप आइएगा नानी दादी के साथ। नानी और दादी के साथ आए थे, खुद भी अकेले है ना। चलो जी, राम राम, सनातन धर्म की जय।